बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में यात्रियों से भरी एक नाव पलट गई। बताया जा रहा है नाव पर करीब 50 लोग सवार थे, जिनमें से 30 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 20 लापता लोगों की तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर के गोपालगंज थाना क्षेत्र के नवगछिया के गोपालापुर 3 टंगा जहाज घाट के पास यह हादसा हुआ। नाव से मजदूर और किसान गंगा नदी के मकई की बुआई के लिए जा रहे थे। तकरीबन 50 लोग नाव में सवार थे, इसी दौरान नाव पलट गई। नाव पलटने के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने डूब रहे लोगों को बचाने की पहल की। गोताखोरों ने करीब 30 लोगों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 20 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना पर गोपालपुर थाने की पुलिस के अलावा जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। एनडीआरएफ के जवान स्थानीय लोगों की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार अभी भी करीब 20 लोग लापता है। नदी से सुरक्षित निकाले गए लोगों को पानी में से कुछ समय डूबे रहने की वजह से एहतियातन गोपालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।